साथियों, क्या है कि हर व्यक्ति सुख की तलाश में है कि सुखी कैसे हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में सुखी रहूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि नहीं, मैं सुखी ना रहूँ? और सुख कैसे हमें प्राप्त हो, हम सुखी कैसे रहें, इस बारे में हम लोग चिंतन करें तो निकल के आता है क्या कि सुखी होने के लिए बहुत ज़रूरी है सरल होना। एक बावर्ची फिल्म बचपन में हमने देखी थी, उसके अंदर एक डायलॉग था राजेश खन्ना का, वो ये था, इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। वो कहते थे कि सरल होना बहुत मुश्किल है, खुश होना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा मुश्किल काम है। सरल कैसे हों, सिंपल कैसे हों, लाइफ में सिंपलिसिटी कैसे आए, सादगी कैसे आए। जो सादगी यदि हमारे जीवन में आने शुरू हो जाए तो हो जाती है, तो हम स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर हो सकते हैं, हम डिस्ट्रेसफुल हो सकते हैं, हम आनंद में आ सकते हैं। तो सुख यदि हमें प्राप्त करना हो तो सरल हम हो, सरल कैसे हो, मन को हल्का कैसे करें, कैसे भारीपन कम करें, कैसे सर के बोझ को हम उतार के नीचे रखें, इसके लिए मैं कुछ सूत्र आपसे चर्चा करूँगा। पहला सूत्र है कि दूसरों को समझना सीखें। ये अक्सर शिकायत रहती है कि मुझे कोई समझ नहीं पाया। अरे, हम दूसरों को समझना शुरू कर देंगे तो दूसरे हमें अपना आप खुद समझना शुरू कर देंगे। अपने आप को समझाने की कोशिश ना करें। यदि हम दूसरे को समझना शुरू कर दें तो हम व्यवहार हमारा, हमारी सोच, हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा, हल्का फुल्का मजाक सहना शुरू करें। लोग छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं। बुरा मानना बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाए, बुरा मानना बंद कर दें आज से। एक बी अवेयर, होश पूर्वक जीवन जिए। होता है क्या कि हमारे बहुत सारे काम बेहोशी में, बहुत सारे काम इस तरह के होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल लाइफ हमारी होगी। तो थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं, थोड़ी जागृति बनाएं, थोड़ा सा सांसों पे ध्यान करना शुरू करें, होशपूर्वक जीवन जिए, थोड़ा सा अवेयरनेस में हम एक आए। और सेवा कार्यों से जुड़े हैं, ये अहंकार कम करता है हमें। जब हम दूसरे को बड़ा समझते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। तो जब हम अपने आप को जो बड़ा महसूस करते हैं तो बड़े के साथ साथ हमें थोड़ा झुकना ज़रूरी है। थोड़ा इसमें हम लोगों से जुड़े, सेवा के कार्यों से, चिकित्सा से, किसी के काम आना शुरू करें। लोग तो गुरुद्वारे में जाते हैं, जूते साफ करते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छा फील करते हैं, अच्छा लगता है, हल्का होता है, लेकिन उससे बाहर आके भी हमें सेवा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। और कम से कम साधनों का प्रयोग करें, कम से कम साधनों में व्यक्तिगत जीवन के लिए साधनों को हम कम करें। हम चाहते हैं ये भी मिल जाए मुझे, ये भी मिल जाए, हर जगह अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जबकि पता है कि रास्ता आधे घंटे का, एक घंटे का है, फिर भी हम बढ़िया से बढ़िया सीट ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरों को मौका दें, खुद की शक्ति बढ़ती, खुद का धैर्य बढ़ता है। और एक सूत्र है, माफ़ी मांगना सीखें, माफ़ करना सीखें, हल्के होने के लिए। कि हम किसी भी तरह से, हम यदि अपने आप को, अपने दिल को इतना बढ़िया बना लें, निर्मल बना लें, कि हम कोई बात हो, गलती हो, तो हमसे हो तो माफ़ी मांग लें, दूसरे हो तो उसको माफ़ कर दें, भले सामने जाके हम इस काम को ना कर पाए, मन से तो हम कर सकते हैं ना। किसी से कोई त्रुटि हो, अपनी तरफ से हो तो मन ही मन एक तरफ जाके, अरे गलती होगी, सॉरी, और दूसरे से हो तो कोई बात नहीं, होता रहता है, दुनिया है, चलता रहता है। ये अपने सूत्र हैं कुछ जो सरल होने के हैं। जो सरल होगा वो सुखी होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। मुश्किल है सरल होना, लेकिन धीरे धीरे नियमों को हम साधें अपने जीवन में तो हम सरल हो सकते हैं, सहज हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। ये भी एक योग का मार्ग है, ये भी एक जागृति का मार्ग है, इससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मानव से महामानव की यात्रा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।